बैक टू माय चैनल गाइस। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना टीका वीका लगा के एकदम पुजारी बन के क्यों मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैं पुजारी आज हमारे घर पे पूजा है और अभी मैं पूजा में गई नहीं हूँ फिलहाल। मैंने खुद पूजा करी थी अपने मंदिर में। मेरा मन कर रहा था कुछ इस टाइप का लगाने का चंदन, और चंदन लगाने का एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि आपका जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहता है, गर्मी भी कम लगती है। और यहाँ पर हम बिंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा चक्र होता है जिसका नाम है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हम काफ़ी फोकस रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। तो दोनों साइंटिफिक रीज़न भी है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा के लिए, और आज हमारे घर पे बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाया। मैं आपको दिखा दूँ पूजा के बाद क्या भोजन हमें खाने को मिलेगा। ये नालायक देखो क्या कर रहा है, इतना नालायक है, कीचड़ कर रहा है यहाँ पे, ये दबा दबा के। अरे यार मुझे तो पता था कि ये देखो पूजा चल रही है घर में, नहाना धोना नहीं है इन लोगों को, ऐसे गोबर बन के पड़े हुए हैं। ये देखो मेरी डेजी देखो, हटना, इसने बेचारी ने कल से खाना नहीं खाया, खा ही नहीं रही है, इसको देना तो दूर बाद खा ही नहीं रही खाना, इसका चावल भी बनाना है मेरे को। सो गाइस मैं आपको दिखा दूँ कि घर पे क्या क्या बना है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ, बनी है खीर, ये पूरी इतने बड़े पतीले में खीर बनी है, और यहाँ पे बनी है मटर पनीर की सब्जी, और साथ में इसके बनेगी पूरी। जिसे पूरी खानी है वो पूरी खा लेगा खीर के साथ, जिसे सब्जी खानी है वो सब्जी खा लेगा, और खीर लास्ट में खा लेगा। तो मेरे को तो पूरी सब्जी पसंद है, लास्ट में खीर खाना पसंद है, पूरी और खीर खाना कम पसंद है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं मीठा अकेले खाना पसंद करती हूँ, उसको पूरी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती। गाइस मैं अभी बाथरूम जाने लगी, मैंने लाइट ऑन करी और देखा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा, तो दरवाजे में लग चुका है ताला, क्योंकि ये सब कारामात है। इन लोगों की शक्ल देख सकते हो आप, इसकी देर से तो बोल रही ये, और इसका भाई और दो चार बच्चे और। तो गाइस ये लोग क्या करते हैं, इतने अनहाइजीनिक है, ये जाएंगे टॉयलेट में और फ्लश नहीं करेंगे, और इतनी गंदी स्मेल आती है, तो मम्मी ने ताला ही मार दिया वॉशरूम में कि लो अब तुम जा ही नहीं सकते, सिर्फ एक वॉशरूम खाली है जो कि है हिंदी वाला, उसी में जाओ, उसी में हगो सारे, उसी में पानी डालो। सो गाइस फिलहाल मैं जा रही हूँ डेजी के चावल बनाने, डेजी के चावल नहीं है, कल एकादशी थी तो एकादशी की वजह से घर पे भी चावल नहीं बने थे, नहीं तो मैं घर वाले चावल उसको खिला देती, मगर अभी नहीं है तो बनाने पड़ेंगे, और तो बनाते हैं। मैं अभी जा रही हूँ नीचे, आपको पूजा दिखा दूँ क्या चल रही है, और मैं ऊपर थी डेजी का चावल बनाने लगी थी, मगर मैंने सोचा कि पूजा जब तक खत्म हो जाएगी जब तक मैं चावल चढ़ाऊंगी और डेजी को खाना दूंगी, इससे अच्छा पहले मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि किस चीज़ की पूजा चल रही है और क्या चल रहा है। सो लेट्स गो। इतनी पब्लिक आई है, हगोड़ा हग के पड़ा है। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार पुजारी, माता के दूर सोए मूर्त की सवारी, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेव। ये देखो ये है डोरी मोन डोरी मोन डोरी, कौन है बे? कुंडी लगी है। हमारे घर में सामान इतना संभाल के रखा जाता है कि आज तक मैंने ये देखा ही नहीं था, इतना संभाल के रख रखा था। ये मेरे दादाजी के हाथ की निशानी है, और ये एक थर्मस है जिसमें पानी बहुत टाइम तक ठंडा रहता है, और इसमें ना कुछ पंपिंग जैसा सिस्टम है, मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी अनोखी सी मशीन है ये, इतनी संभाल के रखी गई थी कि मुझे ही कल ही देखने को मिली। सो गाइस बहुत ज़्यादा समझने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से जब आप प्रेस करोगे अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ खुलेगा इस तरह, और ये है पंप जो हम यहाँ से प्रेस करते हैं, तो ये ऊपर से इस पर प्रेशर डालता है और फिर पानी अंदर से पंप होता है। देखो पूरे पंप, ये पूरा पानी अंदर भरा हुआ है, और यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा इसकी, और यहाँ से पंप होगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये अंदर प्रेशर पड़ेगा तो अंदर से खींच के लाएगा और इधर पंप करके निकालेगा। बड़ा अनोखा सा लगा मुझे, मैंने सोचा व्लॉग में दिखा दूँ। तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही है यार, पूजा अब तक ख़त्म नहीं हुई, एक बज चुके हैं दिन के, और मैं पता क्या खा रही हूँ भूख में, हाजमोला। लाइक मुझे इतनी पसंद है ना हाजमोला, मुझे इतनी पसंद है हाजमोला, मैं यही खा रही हूँ और मैं सारा खा चुकी हूँ, एक बज चुके बस। खा रही हूँ खीर जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। खीर खाने के बाद मैं जाऊंगी नीचे पूरी सब्जी खाने, पहले इसको टेस्ट करता
बहुत अच्छी है। सो गाइज, मैंने अभी मीशो से कुछ मंगाया था तो मेरा जस्ट अभी वही ऑर्डर आया है। मैंने एक टी शर्ट मंगाई थी जिसमें लिखा है श्री राम, तो मैं वही टी शर्ट देखती हूँ ट्राई करके कैसी है। एक्सेल मंगाई थी मैंने, वैसे मेरा साइज़ है एम, तो मुझे थोड़ी ओवर साइज़ चाहिए थी, इस वजह से मैंने एक्सेल मंगाई है। वो टी शर्ट जो मैंने मंगाई थी जय श्री राम की, और ये मुझे थोड़ी सी लूज़ है, मगर मैं चाहती थी थोड़ी सी और लूज़ आए, और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, लाइक मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ इसको, बहुत सही लग रही है ये। और जो भी है यही है, 200 की थी और बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब क्या ही कर रहा है, अच्छी है। मुझे था कि हाँ पूजा पाठ में पहनने के लिए एक होनी चाहिए। खिलाओ, मैं बना रहा हूँ, खिलाओ। आज क्या है इसका? आज इसका हैप्पी बर्थडे है, 6 महीने का। हैप्पी बर्थडे अनप्राशन है माधव को, अब नहीं खाएगा माधव का अनप्राशन। दादी ने मीठी मीठी खीर बनाया माधव के लिए, सेवरी ने लो दीदी के हाथ से खीर। और थैंक यू दीदी खीर खिलाने के लिए। मैंने सोच रखा था कि जब माधव से मैंने आशु खा रही है, क्या खा रही है आशु? मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी खुद से खा के देखो, वेरी गुड गर्ल। नहीं बनाया गुड़िया ने मेरे इतने अजूरा निकाला है बड़ों के लिए, तो देखो आप। गाइस, दिन में खाना पीना खाने के बाद इतनी तगड़ी नींद आती है, कितना शोर मच रहा है मेरे कमरे में, तो सब पड़े हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये मुझे कूपर नाम का सेंट बर्नार्ड डॉग मिला था जब मैं अपनी योगा क्लास के लिए गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मुझसे मिलने के लिए। वो चलने लगा मेरे ऊपर और उसने अपने पंजे इतनी तेज़ मेरे मारे चेस्ट के पास कि छिल गया था पूरा का पूरा जब मैंने घर आके देखा। बाय कूपर, बाय गुड। सो गाइज, मैं आई थी अपनी योगा क्लास लेने सेक्टर 50 में, और मुझे वहाँ पे वही डॉग मिला कूपर, उसका नाम था कूपर, और वो इतना भारी, वो मेरे पे कूद गया। मैं उसको प्यार कर रही थी, वो मेरे पे कूद गया। मैंने कहा कूपर तुम मेरे पे मत कूदो, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊँगी। फिर उसके बाद मैं बॉल देख के बहुत एक्साइटेड हो गया, और फिर मैंने कहा चल यार मेरे को भी कब घर जाना है, तो मैं आ गई, और नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम। गाइज, आई डोंट नो व्हाई सब लोग कहते हैं बाहर के कुत्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। ये मुझे सबसे ज़्यादा सीधे लगते हैं पेट से बहुत ज़्यादा सीधे लगते हैं मुझे। देखो कितना भी प्यार कर लो, कोई कुछ नहीं, आराम से पेट करवाएंगे। सो गाइज, आई एम बैक टू होम, और डेजी मुझे कितना प्यार कर रही है, कितना प्यार कर रही है। उसको सेंट बर्नार्ड की खुशबू आ रही है स्कूबी की, और ये देखो कैसे सूंघने में लगी है। ये ऐसी तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि कौन आई है, किससे मिल के आई है। हाँ, कौन था डेजी? ये देख, सुन के देख, कौन था? स्कूबी 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 डूबी डू स्कूबी डूबी डू। हां मेरा पप्पू तो गाइज, ये लोग यहाँ पे तीनों फ्लॉस कर रहे थे और कंपटीशन लगा रहे थे कि कौन ज़्यादा तेज करता है। मुझे तो हंसी और आरती ने देख के। पार्टी भी ओवर हो चुकी है, और मैं अभी डेजी को घुमाने आई थी बाहर, और अभी मैं उसको घुमा के थोड़ा सा घर ले जाऊँगी। खाना वो खा नहीं रही है, पता नहीं कि उसको सिर्फ चिकन और अंडा ही चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि गर्मी में ये सब चीज़ें ना दूँ। अब देखो नलायक क्या खा रही है, बाहर के कुत्तों को खाना खा रही है। कहाँ घूम रही हो, कहाँ खाना खा रही हो, किसका खाना खा रही हो नलायक? गाइज, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना अपना फेवरेट पार्ट। बाय बाय।